Hello and welcome, my dear class 9th students. I am Ajay, your physics teacher. As you know that we are discussing the second chapter of our physics syllabus, and that is force and laws of motion. Generally, students come across a doubt, and that doubt is related to equations of motion or laws of motion. So I'm reminding you that the three things or three equations which we studied in the first chapter, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square is equal to u square plus 2as. Those are known as three equations of motion. And what we are studying now, just like the first law of inertia, and the second law, F is equal to ma, those, and the third law which we will study later, that is known as action reaction law, these are known as laws of motion. Okay, so in future don't get confused about these things. So now let's start. Practical, today's topic is practical application of second law of motion. First thing that we know, that second law is that force applied on any object or any body is directly proportional to rate of change of momentum. ठीक है, means अगर हम किसी object के ऊपर कोई force लगाएंगे, उसको push या pull करने की कोशिश करेंगे, तो उसके momentum में जो change होगा वो ही हमारा किसके proportional होगा, force के. Okay, और अगर हम momentum की definition की बात करते हैं, तो we know that momentum is nothing but the product of that mass, that object, जिस object को आप push या pull कर रहे हैं उसका जो भी mass होगा m, और आपके push या pull करने के बाद उसके अंदर जो एक्सेलरेशन आएगा या जो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, सपोज कर चाहिए स्टार्टिंग में वो रेस्ट में है, आपने पुश या पुल किया, तो उसके अंदर एक वेलोसिटी आ गया, दैट इज़ वी, या फिर आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन आ गया है ए. ओके, तो अब हम ये देखेंगे कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है, मीन्स मोमेंटम कितना जल्दी या कितना आराम से या कितना स्लोली चेंज होता है. ठीक है, दैट थिंग इज डिफाइंड बाई फोर्स. और इस कॉन्सेप्ट के, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशंस देखते हैं. लेट अस स्टार्ट विद सम ऑफ दोस वन बाय वन. फर्स्ट, अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग द बॉल. आप देखते हैं कि जब एक क्रिकेटर क्या करता है, एक बॉल को कैच करता है, तो वो अपने हैंड्स को कैच आने के बाद जब बॉल हमारी पाम को टच करती है, तो हम अपने हैंड्स को एकदम से पीछे, और अगर वर्टिकल कैच ले रहे हैं तो क्या करते हैं, एकदम पीछे की तरफ कर लेते हैं उनको. उसका रीज़न क्या है, हम ये चाहते हैं कि जब बॉल का जो वेट है, जब वो फोर्स बनके हमारे हैंड पे इंपैक्ट करने वाला है, तो वो बहुत ही कम हो. और वो कम कैसे हो सकता है, जब हम मोमेंटम को स्लोली ट्रांसफ़र करेंगे, मींस जितनी देर में हमने अपने हैंड्स को पीछे किया उतना ही टाइम मिल गया है मोमेंटम को स्लो होने के लिए या कम होने के लिए. ऐसे ही आपने एग्जांपल ये भी देखा होगा, जैसे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होती हैं जो वर्क करते हैं, तो वो ब्रिक्स को फेंक के कैच कर रहे होते हैं, तो जैसे ही वो हाथ में ब्रिक उनके आती है, तो वो एकदम से हैंड्स को क्या करते हैं, पीछे की तरफ करते हैं. और उसका रीज़न भी यही होता है कि बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो मोमेंटम को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनके हैंड में इंजरी ना हो और चोट ना लगे. ओके, आई थिंक दैट्स क्लियर नाउ. सेकेंड, इन हाई जंप एथलेटिक इवेंट, जब भी मतलब हाई जंप का कोई एथलेटिक इवेंट होता है, कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स पे, नेशनल लेवल पे, या ओलंपिक में, आप कहीं भी देखते हैं, तो व्हाट हैपन्स देयर व्हेन अ प्लेयर जंप्स फ्रॉम अ वेरी हाई हाइट, जब वो काफ़ी हाइट से जंप करता है, तो वहाँ पे आपके पास कुशन का या सैंड का बैड लगाते हैं. और उसका रीज़न क्या है कि अगर हम उस प्लेयर को हार्ड सरफेस पे जंप करा दें, तो व्हाट विल हैपन, उस पर्सन का, उस स्पोर्ट पर्सन का जो पूरा का पूरा वेट है, वो फोर्स बन के जब स्ट्राइक करेगा ग्राउंड के ऊपर, तो जो रिएक्शन फोर्स लगेगा, अभी हम पढ़ेंगे बाद में, या फिर आप ये कह लो कि जो मोमेंटम होगा बॉडी के अंदर, वो सडनली ट्रांसफ़र हो जाएगा. और उस सडन ट्रांसफ़र की वजह से क्या होगा, उस प्लेयर की लेग्स में या बैकबोन में इंजरी होने के बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस रहते हैं. सो टू अवॉइड दैट सिचुएशन, हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कुशन्ड या सैंड का बैड रखते हैं, जिससे कि जब प्लेयर जंप करेगा तो वो थोड़ा सा प्रेस हो जाएगा, वो दब जाएगा, और जितनी देर में वो कुशन या बेड हमारा, जो सैंड का बेड होगा, वो दबेगा, प्रेस होगा, उतने ही टाइम में क्या होगा, मोमेंटम हमारा कम हो जाएगा, तो प्लेयर को इंजरी नहीं होगी. थर्ड पॉइंट है, ग्लासवेयर एंड चाइनावेयर आर पैक्ड विद न्यूज़पेपर और स्ट्रॉ पेपर.
ये आपने देखा होगा कि हमारे पास मान लीजिए जैसे जितने भी डेलीगेट चीज़ें होती हैं, चाहे वो हमारी क्रॉकरी हो या हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, तो उन सबको एक प्रॉपर बॉक्सेस के अंदर पैकेज किया जाता है, सो दैट कि जब उनकी उनको एक कैरियर में ले जाया जाता है या इधर उधर उसकी हैंडलिंग होती है, डीलिंग होती है, तो हो सकता है कभी गलती से वो गिर जाए या फिर जानबूझ के उसको इधर उधर फेंक रहे हैं हम अपने काम को जल्दी करने के लिए। तो वी मेक सच एन अरेंजमेंट कि अगर वो ऑब्जेक्ट गिर भी जाता है तो जो मोमेंटम होगा वो मोमेंटम हमारा डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो जो पैकिंग आपने यूज़ की है उस वो पैकिंग क्या करेगी, उस मोमेंटम को शॉक कर लेगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, सो दैट कि जो हमारी क्रॉकरी है या हमारा फ़ोन है या टीवी या इस तरह के जितने भी डेलिकेट आइटम होते हैं उन सबको वो प्रोटेक्ट कर लेती है। ओके, नेक्स्ट थिंग है कराटे मास्टर कैन ब्रेक अ पाइल ऑफ टाइल्स और स्लैब। आपने देखा होगा कि जो कराटे प्लेयर्स होते हैं, जूडो प्लेयर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो किसी चीज़ को ब्रेक करने के लिए एकदम सडनली मीन्स इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दे ट्रांसफर अ वेरी हाई मोमेंटम, यानी कि वो बहुत कम टाइम के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं एंड ड्यू टू दैट दे आर ट्रांसफरिंग अ लार्ज मोमेंटम इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। उस वजह से क्या होगा कि आपका मोमेंटम ट्रांसफर होगा एंड दो ब्रिक्स और जो आपका स्लैब है दैट विल ब्रेक। सो इन शॉर्ट आप एक बात याद रख सकते हैं, बिल्कुल रफली लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी डेली लैंग्वेज में जैसे हम यूज़ करते हैं, मीन्स कहीं पे भी अगर कोई चीज़ टूट रही है ना, या ब्रेक हो रही है या कोई इंजरी हो रही है हम लोगों को, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि कहीं ना कहीं मोमेंटम अनएक्सपेक्टेड तरीके से सडनली ट्रांसफ़र हो गया और उसी सडन मोमेंटम ट्रांसफ़र की वजह से हमें वो इंजरी हुई है। और अगर हम वाकई किसी चीज़ को जानबूझ के इंटेंशनली तोड़ना चाहते हैं तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इन दैट केस वी विल ट्रांसफ़र द मोमेंटम, उस मोमेंटम को हम सडनली ट्रांसफ़र करेंगे जानबूझ के इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, सो दैट वी आर एबल टू क्रिएट दैट इफेक्ट जो हम करना चाहते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड टिल नेक्स्ट क्लास, take care, God bless you.